परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी का मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत हाज़र ते सलाम अर्ज करदा जी। सज्जनो ते भराओ, जिस तरह वादा कीता सी दूसरी वीडियो च जिहड़ियां दो तीन गल्लां वा जी, एक तां इमरान खान साहब ने जिहड़ा पिंडी जाण दा फैसला कीता वा उहदे ते खबर ते गल करदे आ। प्यूटन साहब ने एक फैसला अज कीता वा, उह पूरी दुनिया दे उत्ते एक बड़ा असर अंदाज हो सकदा फैसला जिहड़ा उह कीता गया वा। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के उत्ते असरात आएंगे, पूरी इस खिते के उत्ते असरात आएंगे, अमेरिका के असरात आएंगे, उहदे मतलब जिहड़ा वा यूरोपी यूनियन जिहड़ी उहदी लपेट च आ सकती है। इस गल दे उत्ते को खबर ते को डिस्कस करदा वा। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त एक जंग लगी हुई, जिस तरह यूक्रेन रूस की जंग लगी, इस तरह पाकिस्तान के अंदर यूक्रेन वर्सिज रशिया जी जंग लगी हुई है, उहदे ते गल करदे आ ते इहदा अंजाम किधर नूं जांदा नज़र आ रहा जी। जो इस वक्त हालात वाकियात नज़र आ रहे जी, उहदे तहत मैं कुछ तजिया पेश करन दी कोशिश करदा जी। सब तो पहली गल इमरान खान साहब की कर लैंदे जी कि इमरान खान साहब की बैंकिंग कोड के जनाब उन्होंने अपील फाइल की, दरखास्त दी कि मैनू इस्तिस्ना दिता जाए, वीडियो लिंक के जरिए मेरा बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। लेकिन वो जनाब बजिद ने जी कि नहीं, अदालत के अंदर पेश हो गए। वो तो फिर इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है बिस्मिल्ला करके मैं जनाब रावलपिंडी आना। वो जिस वे अंदर पहले जिस वे वो सारा सिलसिला वा जी, मौजूद कोर्ट आ जी, बैंकिंग कोर्ट आदि मुतलक फैसला वा जी। पहले पीडीएम जी जिस तरह तुम जिदन इमरान खान साहब लाहौर पेश हो, जिस तरह की स्टेटमेंट आई या जो बयानात वो आए आ, उस तो बाद फिर इमरान खान साहब पेश हो गए, फिर वो नुक्स कड़ने शुरू करते कि कहते हैं जी बैंक बंकर के अंदर लुके हुए हैं। तो जिदन इमरान खान साहब बाहर निकले, पूरी दुनिया बाहर निकले आई जी। ये हुण पिंडी का जो प्लैन बनया तो वो जनाब जो जिहड़े खुफिया अदारे होंगे जी, उन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक जो सूरत हाल उत्थे बनती नज़र आ रही आ, वह लाहौर का नक्शा पेश होएगा। लेकिन वो उन्होंने अपनी को प्लैनिंग तैयार की है कि इमरान खान साहब नू रावलपिंडी आन तो रोकया जाए। एक उदा मकसद है कि अदालत च पेश ना हो सकन, दूसरा जो वो मकसद हासिल करना चाहते, जो जराए के मुताबिक खबर जी, मैं उदी गल कर रहा, मेरी कन्फर्म रिपोर्ट नहीं हैगी जी, जराए के मुताबिक जिहड़ियां खबर वा जी, जिहड़ियां कठियां कुठियां कीतियां वा, उहदे तहत जिहड़ी वा ये खबर आ कि हो सकदा जी इमरान खान साहब नू हरासा किया जाए, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करन दी कोशिश की थी, क्यों उन्होंने परचे तो कई सारे है जी। ये ट्राई जिस तरह लाहौर की थी, इस तरह इतने रस्ते की जाए, इमरान खान साहब वो की लाहे अमल अख्तियार करे। लेकिन सब तो अहम सवाल आ जी, आवाम ये की किरदार अदा करेगी जी। सब तो बड़ी गल है जी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम पहुँचेगी जी इमरान खान साहब के इस्तकबाल वास्ते। के पी के दे विचों लोग आएंगे जी इमरान खान साहब के इस्तकबाल वास्ते। इस तरह ही जनाब शेख रशीद साहब का लौ लश्कर जनाब पहुँचेगा जी इमरान खान साहब के इस्तकबाल वास्ते। बाकी लीडरान जिन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, वो अपने अपने लश्कर के नाल पहुँचे जी रावलपिंडी इमरान खान साहब के इस्तकबाल वास्ते। लाहौर, जेलम, बाकी जगह तो जिहड़े आ कितने लोग जिहड़े आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, वोटर, सपोर्टर, वो कानवाए की शक्ल दे विच जाणगे, क्यों इमरान खान साहब नू लाइफ थ्रैट भी हैगा, बाकी जिहड़ी सरकारी कारवाइयां उन्हां दा थ्रैट भी हैगा। अगर वो बाई रोड जाते या वो बाई एयर जाते, ये फैसला बाद दे विच होएगा। लेकिन अगर बाई रोड जाते हैं तो ये समझ लो कि एक लॉन्ग मार्च बन जाएगा जी। अगर वो बाई एयर जाते हैं तो उत्थे आवाम पिंडी दे विच इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी कि वो एक प्रॉब्लम बन जाएगा जी। और लोग अपनी मुहब्बत, अपना प्यार, वो एक जिहड़ा सियासी जलसे की सूरत अख्तियार कर जाएगा जी। ये होगी जी गल इमरान खान साहब की। आ देखो हुण की बनता तो की नहीं बनता। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अज मारका मारिया लाहौर हाई कोर्ट, उहदा इलैक्शन सी लाहौर बार एसोसीएशन का जी, पंजाब बार एसोसीएशन का जी, एशिया की सब तो बड़ी बार आ जी। उहदे च इश्तियाक खान साहब ते सबाहत साहबा जी वो जितियां वा, और डबल मार्जन तो जितियां जी। हामिद खान साहब का ग्रुप आ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट आ जी, इनू वो जितया जी,
और डबल मार्जन तो जितया। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट दे विच इहदे ते मुबारकबाद पेश की आ और ये वुकला दे अंदर चेंज आई आ, जिस तरह आवाम दे अंदर चेंज आई आ इस तरह ही वुकला बरादरी जी उन्होंने जनाब जी चेंज आई आ, उत्थे जिहड़े नारे लगे आ वो देखना दे मतलब सी जितने वो क्राउड सी या जो कुछ सी वो तुहाडे तक शायद रिपोर्ट पहुँच गई होगी। असी हुण वीडियो मैं शेयर नहीं कर सकता लेकिन जरूर शेयर करता अगर को तस्वीर मिल गई तो वो जारी गल शेयर करने की कोशिश करांगा। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वह भी तुहानू शेयर करने की कोशिश करांगा जी उहदे ते उहनू ट्रांसलेट करके। लेकिन काया पलट गए जी, उत्थे बड़े बड़े बुरज जी जिहड़े सी ना ला दे उन्होंने अपना उस बार मौजूदा हुकूमत PDM हुकूमत के लोगों ने जोर लाया, अपनी ताकत लाई, अपने जनाब खुफिया हाथ खुफिया नाखुन तो बहुत कुछ इस्तेमाल किया कि वोट जड़ा जितया जित वोटिंग जी इनू अपनी साइड से कर लिया जाए, यानी असी इलेक्शन जीत जाइए। लेकिन पंजाब बार कौंसल दे विच जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब तरीन जी कामयाबी हासिल की आदि एक रिकॉर्ड ही आ जी, ये भी बड़ा जिन्ना जिस मार्जिन दे नाल वो जिते आ, ये एक तब्दीली का आगाज और इस तब्दीली दे नाल बहुत सारे हौसले पस्त हुए आ जी, बहुत सारे हौसले जिहड़े मौजूद अदलिया दे दबाव पा रहे आ जिहड़े दबाव पा रहे आ उहदी वजह इफ्तखार चौधरी साहब एक सी जी वुकला तहरीक शुरू हुई बनती एक मूवमेंट बन गई तो उस तो बाद जनरल परवेज मुशरफ साहब अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करे वो जनाब जे ताकतवर तरीन आर्मी चीफ सी ताकतवर तरीन सदर सी ते सारा कुछ ही सी जी वो जनाब घुटने टेक गए सी इस वुकला तहरीक दे अगे। अज जिहड़ा इमरान खान साहब मुतालबा अज दा वा वो एक रंग लैके आएगा जो इलेक्शन दे विच जो कुछ करन दी कोशिश की जा रही है वुकला तंजीम जी खड़ी होएगी जनाब अदल दे उत्ते जिहड़ा प्रेशर पाया जा रहा उहदे ते वुकला तंजीम जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुकला विंग जिहड़ा वा वह अपना एक अहम किरदार अदा करेगा बड़ी आवाज़ की शक्ल च वह हुण जनाब पाकिस्तान के अंदर अपना नाम पैदा कर गए आने वाले वक्त दे विच ये तुहानू सूरत हाल नज़र आएगी। इमरान खान साहब अदल बचाओ मुहिम भी चलाना चाहते हैं, वुकला ने अज जे नारे लाए इमरान तेरे जान निसार ओ जनाब सुन लो ते ओ लहू गरमाण वाले जिहड़े आ ओ जज्बाती नारे सी जी ओ तुसी सुनो जिन्ना क्राउड सी जितने लोग सी जितनी खुशी मनाई गई आ ओ दीदनी सी जी। हुण चलते हैं जी रशिया दे उत्ते जी, रशिया ने जिहड़ी अटोमिक ट्रीटी आ जी उहदे उन्होंने साइन किए अमेरिका दे नाल, जिस तरह इमरान खान साहब नूं दीवार दे नाल लाया जा रहा ना जी लाया गया वा ला रहे आ, इस तरह ही रशिया नूं जनाब सजा दी जा रही सी भी चाइना नाल तू गठजोड़ करके एक सुपर पावर या एक ब्लॉक बनाना चाहना अमेरिका जरा वा वो उदे ते अपना इनफलूस जिता पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की कोशिश उन्होंने की आ कामयाब हो गए। इस तरह उन्होंने रशिया के अंदर भी ट्राई की आ लेकिन वह प्यूटन साहब जेडे इन्हों बाप आ जी उन्होंने उत्थे दी इंटेलीजेंस जी एजेंसी आ जिदा पाकिस्तान के अंदर समझ लो ISI आ या दूसरी मारखोर आ, इस तरह ही वो उत्थे जी उन्होंने इंटेलीजेंस एजेंसी वो चीफ रह जी बहुत देर, फिर वो सदर बने, सदर बनने तो बाद उन्होंने जिहड़ा दो तीन जंगा लड़िया और वो जंगा उन्होंने गो लंबिया भी हुई लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल की। ये जी यूक्रेन की जंग आ ये भी हुण नवा रुख अख्तियार करते करते एक अजाब बन गया जी, रशिया वास्ते भी बन गया तो यूक्रेन वास्ते तो बनया ही बनया। लेकिन रशिया ने घुटने नहीं टेके जी, उन्हू यानी मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की, उन्हू कॉर्नर करने की कोशिश की, उन्हों हर तरह तबाही उहदी करने की कोशिश की। इन्वेस्टर जिहड़े आ जिदा दे पाकिस्तानी इन्वेस्टर आ जी बाहर पैसे रखे डालरां च, इदां ही उत्थे दे भी लोग जिहड़े अलीट क्लास आ या करप्ट लोग होणगे उन्होंने पैसा जिहड़ा उत्थों समगल करके बाहर भेजिया सी, वो तुहानू दस्सिया जिस तरह इमरान खान साहब भी अपनी तकरीर दस्सदे कि वह पैसा जब्त हो चुकिया वा। अज प्यूटन साहब ने खिताब करते हुए जी ये गल नूं खुशी महसूस की कि बहुत अच्छा होया उन्हां लोगों के पैसे जब्त होए आ,
और वो लोग है ही इसे लायक सी, उन्होंने मुल्क नाल वफा नहीं की कि अपना पैसा दूसरे मुल्क च रखिया, अपने मुल्क उन्होंने पैसा नहीं रखिया। उन्होंने कहा मैनू या मेरी कौम नू इस मतलब कोई दुख नहीं है अगर उन्होंने पैसा जब्त हो गया। बाकी जितना उन्होंने जनाब सस्ता तेल करके तेल बेच रहे आ, जो कुछ उन्होंने कोल मामलात है वो रूस जरा वा वो बहुत सारे मुल्कों बैक बक टक्कर दे सकता, उसकी मिजाइल टेक्नोलॉजी बहुत आला, उसका निजामे दफा बहुत आला, ये जरा आयल का बड़ा एक उसको एक हथियार आ जी पूरी दुनिया के अंदर, पेट्रोल महंगा कर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की कोशिश की गई, उन्हें रेट घटाते जिदे चो पाकिस्तान भी फायदा लेना चाहता सी इमरान खान साहब के दौर से, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं सी। भारत ने उसको फायदा चक्या, उन्हें असला भी वेचिया, उन्हें जनाब पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्तियां वेचिया, बेशुमार चीज़ा जिहड़ियां दिफाई निज़ाम के मुतलक उन्हें उन्हों का S-400 बहुत एक आला चीज़ आ, उसका तोड़ ही कोई नहीं अमरीका के कोल, हुण उसकी जदीद शक्ल जी उन्हें वह तरतीब दी आ, नवा वर्जन जरा वह लैके आए आ, लेकिन उन्हें जनाब एटमी ट्रीटी जी उसदे मुआहदे तो बगावत कर दी आ, वो हुण पाबंदी उसदे नहीं रह गई जी कि वह किसी मुल्क पर एटमी हमला करे, वो किसी नूं दस के हमला करे, वो अमेरिका नूं चाहे थ्रैट कर सकता, वो यूरोपी यूनियन नूं थ्रैट कर सकता, सब तो जिहड़ा नज़दीक तरीन वो बरतानिया वो जेरे अताब आ सकता जी। ये वो एक जिस तरह पाकिस्तान के मतलब एक कहावत कही जाती कि इन नक्शे तो मिटाने की कोशिश की जाती, इस तरह ही रशिया के जी मतलब रिसर्च की गई आ, उसके मतलब के बयान किया जाता जिदा पाकिस्तान की गजवा ए हिंद वा ना जी जिक्र किया जाता, गजवा तो मरा तो हों जी नबी पाक शरीफ है, यानी बड़ी जंग जी जी पाकिस्तान इंडिया की एक दसिया जाता थानू, तो जी उस तरह की जंग जी रशिया की एटमी जंग वो तहत वो अटैक कर सकता जी बरतानिया के उत्ते। जिस तरह लोग दसते कहावत दसते वो कहावत के तौर पर गल आ जी, लेकिन हूँ ये अल्लाह को पता जी, वो जिसले कहते कि अपना झुग्गा जलता हो फिर अगले का जला देना जरा वह बेहतर होंगे बजाय ये को तुहाडे घर नूं पूरे नूं अग ला दे, लेकिन ये अल्लाह को पता जी दुनिया के उत्ते की फैसले होने। तुर्की च जुलजला आ गया तो 27-30 हज़ार बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, एटम बंब जापान ते दो गिरे सी वो मुल्क खड़ा हो गया, लेकिन वो बहुत साल तक वो असरात रहे, हुण तो वो एटम बंब भी जदीद हो गए, हर चीज़ दुनिया की वो जदीद हो गई, लेकिन इहदा आने वाले वक्त दे विच एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो गया जी। ये जो रशिया ने अज बयान दिता, जो प्यूटन साहब ने जड़ा बयान दिता, उन्होंने इस चीज़ नूं दस्या कि बाबा जी कि तुसी जनाब जिन्ना मर्जी सोच लवो, जिन्ना मर्जी कर लो, जो मैं फैसला कर जाना वो तुसी नहीं कर सकते। बाबे का एक साल रह गया जी, बाबा जड़ा वा वो जनाब अगर ट्रंप आ गया तो वो जनाब जो खबरां अमेरिका दियां आ रही कि ट्रंप वापस आ रहा जी, ट्रंप की मकबूलीयत बढ़ रही आ, जो बाइडन जड़ा वा वो मकबूलीयत घट रही आ, नहायत ही मतलब कि फेल तरीन जिदा का आ दौर पाकिस्तान के अंदर आ, इदा का ही दौर अमेरिका के अंदर गुजर रहा जी। उत्थे माशी मसायल भी इस तरह ही कर्जा कर्ज का ढेर चढ़िया आ, चाइना जड़ा इन दोनों के दरम्यान बीज बचाओ करने की कोशिश कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ चाइना जड़ा रशिया को पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहा जी। ये सारे मामलात हो रहे जी, ये दुनियावी तौर पर नक्शा इमरान खान साहब के मुतलक प्यूटन साहब जोड़े क्लीयर कट जो बयान भी दे चुके, उन्होंने सफारतखान खाने भी बयान दे चुके आ, उन्होंने ये पता लग गया कि यह बंदा जड़ा वा ये बंदा स्टैंड लैण वाला बंदा वा, ये बंदा काम का बंदा, और अगर पाकिस्तान मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियो से गल कह चुकिया कि जिन्ना का पाकिस्तान फसया होया वा ना, अमेरिका ने इन्हों की 75 साल से पहले भी मदद नहीं की तो हूँ भी नहीं करनी जी। अमेरिका अपने मुफ्त का जिन्हों कहना ना वो पंजाबी लफज लाया तो गांह गए, ये वीडियो चलो नहीं बयान करते, वो काम करके तो चलो जी अपना काम सारिया तो कट्टा छां थले जी, तो वो हिसाब जिहड़ा वा ना मामलात पाकिस्तान दे नाल करना चाहता वा, रशिया जिहड़ा वा चाइना जिहड़ा वा आखिर पाकिस्तान जिस क्राइसिस च गिरदा जा रहा या गिराया जा रहा, जिस क्राइसिस च गिरदा जा रहा गिराया जा रहा टैक्निकली तरीके नाल गिराया गया वा, उत्थों कढ़न वास्ते हुण पाकिस्तान को ऑप्शन यही है जी कि चाइना और रूस पाकिस्तान दे नाल खड़े होणगे ते पाकिस्तान अपने पैरां ते दोबारा खड़ा होना शुरू होएगा।
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।